हेलो गाइस, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ परवल की एकदम नए तरीके की रेसिपी। परवल आपने कई अलग अलग तरीके से ट्राई किया होगा, एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। जिन्हें परवल नहीं पसंद है वो भी इस रेसिपी को मांग मांग के खाएंगे और उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर परवल। ये मैंने 250 ग्राम परवल लिया है। क्वांटिटी कम ज़्यादा परवल की किया जा सकता है। परवल यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ की लिया है। इस रेसिपी को जब हम बड़े साइज़ का परवल लेकर बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो ध्यान रखिएगा कि परवल को पहले हमें धो लेना है, उसके बाद उसका जो पानी एक्स्ट्रा ऊपर का रहेगा उसे साफ़ कर लेंगे कपड़े से, और उसके बाद जो है परवल हमें जो है टॉप और बॉटम से कट करना है। एक तरफ से परवल को हमें थोड़ा सा कट करना है और दूसरी तरफ से आधी इंच की दूरी पे कट करेंगे। चम्मच की डंडी की सहायता से हम अंदर का जो परवल में बीज और गूदा रहता है उसे निकाल लेंगे। इस तरीके से जब आप परवल को तैयार करते हैं तो अंदर काफ़ी सारा स्पेस हो जाता है, और कई बार परवल के जो बीज होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ लोगों को जो है पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए निकालना ज़रूरी है। तो जितना हमने परवल लिया है सबको इसी तरीके से हम बीज और गूदा निकाल के तैयार करेंगे। बीज और गूदा जो हम निकाल रहे हैं इसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम आगे रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो सारा परवल यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें एक स्टफिंग बनाना है, जिसके लिए मैंने बॉईल किया हुआ आलू लिया है। इसमें हम बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। साथ में लिया है मैंने एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, क्वांटिटी कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है। साथ में ऐड करेंगे इसमें हम एक चम्मच चाट मसाला पाउडर, जिससे बहुत ही बढ़िया चटपटा टेस्ट आएगा। एक चम्मच अमचूर पाउडर ऐड किया है मैंने ताकि खट्टा फ्लेवर आ जाए। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसी के साथ इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। बारीक चॉप की हुई हरी धनिया ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम लेंगे परवल और परवल के अंदर स्टफिंग को हम सेट करेंगे। तो हल्के हाथों से प्रेस करते हुए आप जो है परवल के अंदर स्टफिंग को अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग परवल के अंदर आ सके। इसी तरीके से सारे परवल में जो है हमें स्टफिंग को सेट करना है। अब इसे हम जो है साइड में रख देते हैं। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। मैंने एक पैन गरम होने के लिए रखा है और इसमें जो है एक चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद हमें जो है परवल को फ्राई करना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा। परवल ऐड करने के बाद हमें इसे जो है अलट पलट करते हुए फ्राई करना है। परवल को फ्राई करने में टाइम नहीं लगता है। जैसे ही आप परवल को पैन में डालेंगे दो मिनट बाद आप देखेंगे कि हल्का सा ये सॉफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, कलर चेंज होने लगेगा। इसे जो है घुमा घुमा के फ्राई कर लेंगे। जैसे ही आप देखें कि सॉफ्ट हो चुका है, कलर जो है वो चेंज हो गया है, इसे हम बाहर निकाल के रख लेंगे। तो इसी तरीके से सारे परवल को मैंने यहाँ पर फ्राई किया हुआ है। उसके बाद हमने जो बीज और गूदा परवल के अंदर का निकाला था उसको लेंगे। इसमें का जो बीज था वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बीज हार्ड होता है, खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने बीज निकाला हुआ है। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके ऐड करेंगे। इसी के साथ मैंने लिया है यहाँ पर एक प्याज। प्याज का छिलका उतार दिया है मैंने और प्याज को बड़े बड़े टुकड़े में कट करेंगे। इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे मूँगफली का दाना। तो हमें यहाँ पर जो है 8-10 मूँगफली के दाने ऐड करना है, और सभी चीज़ों को ग्राइंड करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके का देखिए ये जो है पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। एक चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और 5 मिनट मसाले को सेट होने देंगे। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई गरम होने के लिए रखा है और इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। जैसे ही सरसों का तेल अच्छे से गरम हो जाएगा एक चम्मच इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता ऐड किया है मैंने, और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को जो है मिक्स करते हुए हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही आप देखें कि प्याज ब्राउन कलर आ चुकी है, फिर इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मेरे पास पेस्ट अलग से अवेलेबल था, इसीलिए मैंने जो है
पेस्ट बनाते समय इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो पेस्ट बनाते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें जो है मसाले को पकाना है, तो लो फ्लेम पे इसे 8-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में एक दो बार आप ज़रूर मिक्स करिएगा और चेक कर लीजिएगा मसाला जल तो नहीं रहा है। बहुत ही बढ़िया से जो है मसाला पक चुका है, कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है, जो भी एक्स्ट्रा जूस था वो निकल गया है, ऑयल अलग अलग दिखाई देने लगा है। अब इसमें हम एक चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। उसके बाद ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी ऐड किया है और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है, तो यहाँ पर मुझे ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने आधी गिलास पानी फिर से इस्तेमाल किया है। हरी धनिया ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। जैसे ही आप देखें कि हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है ग्रेवी से, फिर इसमें हम परवल ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और ढक करके जो है 5-6 मिनट परवल को ऐसे ही ग्रेवी के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैंने कैप उठाया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने परवल को पहले फ्राई किया था तो इसे जो है पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ग्रेवी के साथ 5 मिनट पका लेने से परवल में ग्रेवी का जो स्वाद है आ जाता है, तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने अक्सर परवल और आलू की सब्ज़ी बनाया होगा, एक बार मेरे तरीके से परवल और आलू के इस तरीके की सब्ज़ी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। जिन्हें परवल नहीं पसंद है वो भी मांग मांग के खाएंगे और इसका स्वाद आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी में। बाय गाइज़।